अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सोबिया। ओके तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ दाल मूंग मसूर की, जो कि मैंने चढ़ा दी है। इसके अंदर मैंने डाला थोड़ी सी लाल मिर्च, साबित इलायची बड़ी वाली, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और थोड़ा सा लहसुन साबित, और हल्दी और पिसा हुआ धनिया। ये मैंने सब डाल के चढ़ा दिया क्योंकि मुझे सब मौका नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों को ये दिखा देती रिकॉर्ड करके। पर मैं आज बना रही हूँ दाल चावल, और उसके साथ मैं बना रही हूँ भला क्या, मीठे पानी की मछली, और ये छोटी वाली मछली, इसको कड़क करके हम खाएंगे चावल के साथ, बड़े मज़े की लगती है। और ये तो इनकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस पर मैं अपने मसाले लगाऊँगी, और इस पर तो खैर सिर्फ हल्दी और लाल मिर्ची ही लगेंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, यहाँ मेरी दाल तैयार हो चुकी है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से घोट भी लिया है। ये देखें आप इसका कलर, तो ये घुट चुकी है। मज़ीद अगर मैं इसको घोटना चाहूँगी तो मैं घोट दूँगी। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, और इसको फिर करते हैं हम फाइनल। अच्छा ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी पानी, जितनी आपको पतली रखनी है उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें। ओह, ये छिटाया। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, बस इतनी ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले तड़के का इंतज़ाम करूँ या फिश फ्राई करूँ, इनको भूख लग चुकी है, तो मैं कर लेती हूँ पहले फिश फ्राई, जब तक हमारी दाल थोड़ी और पक जाए। इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, अच्छा पिंक सॉल्ट हसबे जायका। मैं फिर बताऊंगी कि जी मैं पिंक नमक यूज़ करती हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और बीपी ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लेमन, क्योंकि तीन पीसें सिर्फ शतातें खाने हैं, नहीं जी वो गिर गया मेरे हाथ से, और हमने तो वो छोटी हरी फिश खानी है। उस पर मैं सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्ची लगाऊंगी। ये पूरा एक नींबू मैंने निचोड़ दिया। अच्छा, थोड़ा सा सिरका, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, क्योंकि मुझे इसको बनाना है स्पाइसी। अच्छा, अब इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच बेसन, काफ़ी होगा, क्योंकि मतलब ये मसाला अगर फिश के ऊपर लगाते हैं तो हम जब फ्राई करते हैं तो सारा मसाला आदमी लग जाता है, ये बेसन की मदद से मसाला इस पर चिपके रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कर दिए हैं चावल बॉयल। अच्छा, यहाँ काम तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, वो देखें वहाँ दाल तैयार हो रही है, ये चावल बॉयल हो रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने शुरू कर दिया तड़के का काम। तो तड़के के लिए मैं लूँगी ज़ीरा, लाल मिर्ची, प्याज, कड़ी पत्ता, मेरी लेबर लेने गई है, मेरे पास ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं फ़िश का प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं तड़का। ये हमारी नेबर्स के यहाँ से कड़ी पत्ता आ चुका है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ डालेंगे हम लाल मिर्ची, जीरा और बहुत सारा कड़ी पत्ता। मेरी नेबर मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है कि यार आप अकेली इतनी मेहनत कर रही हो, चलो मैं आपके साथ शुरू हो जाती हूँ, सिर्फ पैन पकड़ने के लिए। काइंड ऑफ काफ़ी 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 कहते हैं ना, मेहनत का काम है, मेहनत का काम है। तो इसको मेरे ख्याल से अब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। मज़ेदार सी खुशबू, ये लो बड़ा वाला स्पून, ये प्याज भी इसके अंदर डाल देते हैं। हमने गलत तरीके से डाला है ना, हमें यूँ डालना चाहिए। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, तो ये खूबसूरत सी दाल कितनी प्यारी लग रही है। चूल्हा बंद करना है, इसको करेंगे मिक्स। वो तुम बोल रही हो ना, आपका है रोजा मैडम, मैं मकरू नहीं करवाना चाहती। नहीं नहीं, खुशबू तो वाकई बहुत प्यारी आ रही है। ये मेरी दाल हो चुकी है तैयार, अब मैं जाऊंगी फिश को मिक्स करने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कर लेंगे मिक्स।
अच्छा मुझे बेसन वाली ये फिश ना इतनी खास नहीं लगती, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे ये वाली ना बिल्कुल सादी अच्छा लगती है। अच्छा लगती है? हाँ अच्छा लगती है क्योंकि इसका ना जो टेस्ट है ना वाकई बिल्कुल सादी। जी जान आ रही आप ही आ रही है। अच्छा जी चावल लगा दिए अंदर पे, यहाँ हमने स्टार्ट कर दी है अपनी फिश फ्राई करना। ऑयल जो इसके अंदर में वो पहले वाला यूज़ करूँगी क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। अब देखते हैं ऑयल गर्म हो गया, हाँ थोड़ा सा ठंडा फुल फ्लेम पे। और ये शुरू हो चुकी है। अच्छा थोड़ा बारबी कुकी इसमें यहाँ भी इसको पलटेंगे। यहाँ फिश हो चुकी है तैयार, जब तक मैं बना लूँगी दो रोटियाँ इनके लिए जल्दी से, हम तो दाल चावल खाएंगे। ये देखिए और यहाँ मैंने छोटी चीज़ें रख दी हैं फ्राई होने के लिए, रोटियाँ मेरी पक चुकी हैं, मैंने इनको खाना सर्व कर दिया है लेकिन अभी हम बाकी हैं। तो जी ये हमारी फिश रेडी होने वाली है, साथ साथ में किचन भी साफ करती रहूँगी, चूल्हा इतना गंदा हो गया फिश फ्राई करते वक्त, ठीक है आ रही है। तो जी हमारी ये फिश भी देखें तैयार होने वाली है, मैंने इनको खाना दे दिया है। अभी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम है, दाल चावल भी तैयार है, इसके साथ हम सिर्फ लेंगे ये वाली फिश और अचार। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। टेक केयर।